आर और आर स्टूडियो को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ चीजों का खास ख्याल रखना पड़ता है। कोशिश करें कि आर क्रेन से आर का अपडेटेड वर्जन जो है उसे इंस्टॉल करें। सो स्क्रीन आपके सामने मैं अभी लेके आता हूं दोबारा से, आप लोग देख भी रहे होंगे। वहां पे अगर आपने आर को इंस्टॉल करना है तो आप गूगल में जाके लिखेंगे आर क्रेन, कैसे, आर क्रेन। जैसे आप आर क्रेन लिखेंगे, नॉट कैन, स्पेस डाल के क्रैन, इसका मतलब है, जैसे मैं पहले भी बता के हटा हूं, द कम्प्रीहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क, ठीक है। और दूसरा आपने लिखना है आर स्टूडियो, जिससे आपके पास ये पॉजिट की एक वेबसाइट आएगी। इसका पहला नाम आर स्टूडियो था, अभी भी लोग इसे आर स्टूडियो के नाम से जानते हैं और कुछ लोग इसे पॉजिट कह रहे हैं। जिन्होंने डेवलप किया ना आर स्टूडियो, इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल मैं अच्छे वाली आपको समझाता हूँ। आर स्टूडियो जिन्होंने डिवेलप किया था ना, उन्होंने इसका जब नाम रखा ना आर स्टूडियो, तब आर जो थी वो बहुत ही प्रोमिनेंट लैंग्वेज थी अमंग रिसर्चर, ठीक है। फिर आया पाइथन का दौर, मशीन लर्निंग का दौर, लोग पाइथन को यूज़ करने लगे। अब लोगों को नहीं पता कि आर स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ एक IDE है, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। तो लोगों ने समझा आर स्टूडियो का मतलब है सिर्फ आर इस पे चल सकते हैं, लेकिन आप इस पे आर भी चला सकते हैं, पाइथन भी चला सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। इसी तरीके से एक और IDE है जिसे आपने इंस्टॉल तो नहीं करना, इसका नाम है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये पाइथन के लिए यूज होती है। फिर इसी तरीके से एक और है जिसका नाम है PyCharm, ये भी पाइथन के लिए यूज होती है। एंड देयर आर मेनी अदर IDEs. IDEs का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं IDE की। मैं यहां पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं नोटपैड में, और मैं यहां पे एक नई फाइल बनाता हूं, और यहां पे मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं, माय नेम इज डॉक्टर अमार तुफैल, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आप नोटपैड में लिखना प्रेफर करेंगे, या मैं जैसे यहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक फाइल बनाता हूं और यहां पे मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूं, यू विल सी अ बिग डिफरेंस। मेरे पास एंड नोट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ स्टार्ट हो जाता है, मोहम्मद अमार। अब आप गौर करें कि यहां पे मेरे पास नोटपैड की बजाय मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गई, ठीक है। अगर मैं नोटपैड को यहां पे दिखाऊं तो ये नोटपैड है, और नोटपैड को अगर गौर करें, ये राइट साइड पे आ गया, लेफ्ट साइड पे सॉरी, और यहां पे मैं राइट साइड पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेके आता हूं। आप दोनों में जरा फर्क चेक करें, नोटपैड में ना तो इतनी ऑप्शंस हैं और ना ही इतनी ज्यादा फंक्शनैलिटीज हैं, और ना ही हमारे लिए काम को आसान करने के लिए उन्होंने इतनी तगोदो की है। लेकिन आप लिख सकते हैं, यानी कि बेसिक काम आप कर सकते हैं, बट स्टिल यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ फंक्शंस जो यहां पे आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका एक किस्म का आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं सिर्फ एनालॉजी बता रहा हूँ, रियलिटी में ऐसा नहीं है, मैं एनालॉजी बना रहा हूँ। और ये आपका आर स्टूडियो, आर इन आर स्टूडियो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके पास फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा इनहेंस कर गई है, ठीक है। इसी वजह से आर और आर स्टूडियो दोनों हमारे लिए जरूरी है। मैं इन दोनों को बंद करता हूं और हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास आर एंड आर स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल होंगे। मैं आर पे क्लिक करता हूं, मैंने आर फॉर विंडोज लेना है, तो मैं विंडोज पे क्लिक करूंगा। यहां पे डाउनलोड आर 4.4.1 सबसे लेटेस्ट इस वक्त चल रहा है, तो मैं यहीं से इस पर क्लिक करूंगा। ये मेरे पास राइट साइड में ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जैसे ये डाउनलोड हो रहा है, मैं मेन फाइल आर स्टूडियो को भी डाउनलोड कर लूंगा, मैं यहां पे क्लिक करूंगा। अब जैसे आर स्टूडियो पे क्लिक करेंगे ना, यू विल सी कि यहां पे इन्होंने पहले बताया हुआ है कि जनाबे वाला आप पहले डाउनलोड करें आर को, ठीक है। और उन्होंने बताया कि एटलीस्ट 3.6 से ऊपर वाला वर्जन चाहिए हमें, तो हमारे पास ऑलरेडी 4.4.1 है ना, तो हम उसी को रखेंगे। यहां से आर स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे, मैं इस पर क्लिक करता हूं, मेरे पास आर स्टूडियो जो है वो यहां पे आ गया। अब अगर आप यहीं पे क्लिक करते डाउनलोड एंड इंस्टॉल आर, आपको इसने वही वेबसाइट पे ले जाना था जहां पे मैं पहले लेके गया था, ठीक है। सो सेम वही चीज है, आपने सिर्फ विंडोज पे क्लिक करना है तो आपके पास विंडो की आ जानी थी, राइट। सो मैंने आपको आर क्रेन से डायरेक्टली डाउनलोड करवा दिया ये आर स्टूडियो। अब ये दोनों चले गए हैं मेरे डाउनलोड के फोल्डर के अंदर। यहां पे मैं जाता हूं, आर को पहले इंस्टॉल करूंगा, फिर आर स्टूडियो को इंस्टॉल करूंगा। आर पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में करता हूं। अब ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, बट स्टिल इट्स फाइन। करने के बाद मैं यहां पे यस पे क्लिक करता हूं। यस पे क्लिक करने के बाद यू विल सी कि ये मेरे पास जो है इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। एंड नाउ इट विल आस्क मी सम बेसिक क्वेश्चंस, लैंग्वेज कौन सी रखनी है। जिस बंदे को ज्यादा शौक है वो कोई और लैंग्वेज भी रख सकता है, उर्दू है ही नहीं, और वैसे भी मुझे तो उर्दू में कोई सॉफ्टवेयर की समझ नहीं आती। हमारी वो कहते हैं ना बिल्ट इन मेमोरी ऐसे बिल्ड की गई है स्टार्ट से, इंग्लिश 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 इंग्लिश, तो ओके करते हैं, नेक्स्ट करते हैं सिंपली।
और मैंने सी में इंस्टॉल करना है. एंड अगर आपके सी में स्पेस नहीं है तो डी में भी कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर, हाईली प्रेफर टू इंस्टॉल दिस इन सी. क्यों? क्योंकि आपने कई सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करने. नेक्स्ट करता हूँ, इसे आप ऐसे ही रहने दें. नेक्स्ट करता हूँ, अब प्लीज़ स्पेसिफाई येस और नो. किस चीज़ में डू यू वॉन्ट टू कस्टमाइज? नहीं भाई, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने इसे आर में ही रखना है. और अब आप नेक्स्ट करें. अगर आप इनमें से किसी चीज़ को छेड़ना चाहते हैं, गो अहेड, वरना मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ एंड आई विल इंस्टॉल इट डायरेक्टली. और ये मेरे पास आर स्टूडियो, सॉरी आर क्रैन नेटवर्क से आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट कर देगा. जैसे मैंने इसे स्टार्ट किया, यू विल सी कि हमारे पास यहां पे अब स्टार्ट के अंदर, यहां पे अगर मैं गौर करूं तो यहां पे आर आ गया है. ठीक है, रिकमेंडेड आर आ गया है. यहां पे चेक करें, नहीं आपको समझ आती तो आर लिखें, आपके पास आर आ जाना चाहिए इसमें. ठीक है, लेकिन अक्सर औकात वो नहीं शो होता. रीजन बिहाइंड दैट इज आर से कई चीजें स्टार्ट होती हैं, तो मैं हमेशा क्विक लॉन्च के अंदर इसको रखता हूँ आर 4.4.1. यहां से भी आप इसे चला सकते हैं, वरना आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी. तो मैं यहीं से इसे रन करता हूँ. ये जो मेरे पास ऑप्शन थी, मैंने रन किया. ये है जी आर का इंटरफेस, एग्जैक्टली सिमिलर जैसे मैंने आपको नोट पैड का दिखाया था ना, ये एक किस्म का नोट पैड है. यहां पे आप सब कुछ आर की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट स्टिल दिस इज नॉट इनफ. दिस इज नॉट इनफ, आई वुड से नेवर इनफ. नेवर इनफ तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं, ये इनफ नहीं है. सो इस वजह से मैं इसको बंद करता हूं. यहां से मैं न्यू नो कर देता हूं और मैंने जो आर स्टूडियो को डाउनलोड किया हुआ है, मैं इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूं. इससे ये होता है कि आपकी जो पावर है वो सारी की सारी यहां पे आ जाती है. मैं यस पे क्लिक करता हूं एंड अब मैं दोबारा से यहां पे आपको दिखाता हूं इसकी विंडोज. मैं इन चीजों को बड़ा बारीकी में इस वजह से दिखा रहा होता हूं ताकि आपको समझ लगे. अब इसकी जो स्पेस रिक्वायर है 1.1 GB है. हम ऐसी चीजों पे गौर नहीं करते, नेक्स्ट 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 पे क्लिक कर देते हैं. सो यू शुड हैव इनफ स्पेस इन योर सी ड्राइव. मेरे पास 181 GB पड़ी है. ठीक है, आई नो कि मेरे पास 2 TB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है. सो फॉर मी स्टिल इट्स अ लॉट. सो आपके पास कितनी है वो यहाँ पे देखें, एटलीस्ट 5 GB होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपने आगे काम भी करने हैं. सो नेक्स्ट करता हूँ. नेक्स्ट करने के बाद मैं इसे इंस्टॉल कर देता हूँ एंड इट विल बी इंस्टॉलिंग आर स्टूडियो इनसाइड माय पीसी. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम तो हमने पहले भी किया, इसमें नया क्या है? दो चीज़ें हैं. जब भी आप कभी आर को इंस्टॉल करें, उसके वर्जन पर गौर करें, 4.4.1. और जो मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास मैकबुक भी है, लिनक्स भी है, उनके लिए यहाँ पे आप कंप्रीहेंसिव आर नेटवर्क में आ जाएं. ये आर फॉर लिनक्स है, ये मैक ओएस है. मैक ओएस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास मैक ओएस के दो पैकेजेस आ रहे हैं, इंटेल के मैक्स और सिलिकॉन मैक्स M1 के. तो जो लोग इंटेल के मैक्स रख रहे हैं, यानी कि पुराने मैक्स, मैक स्टूडियोज या मैक बुक पड़ी हैं, वो ये वाला इंस्टॉल करेंगे. जिनके पास इंटेल है, जिनके पास M1, M2, M3 की चिप्स लगी हुई हैं, वो ये वाला यूज करेंगे. दिस इज टोटली डिफरेंट, दिस वन इज डिफरेंट. तो आपने ये देख के इंस्टॉल करना है. सेम वही तरीकाकार है और यहाँ से आप इंस्टॉल करेंगे. आर स्टूडियो विल रिमेन सेम. क्यों? जिस विंडोज से या जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से आप आर स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा. नहीं हो रहा तो थोड़ा सा नीचे जाएं, यहाँ पे सारे के सारे वर्जन लिखे हैं, ये चेक करें. ठीक है, सो यहाँ से DMG फाइल होती है मैकबुक की और डेब फाइल होती है, डेबियन फाइल होती है लिनक्स की. आई नो कि आप में से कोई बंदा लिनक्स या मैक यूज कर रहा हो तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है, नहीं कर रहे सो प्लीज इग्नोर दिस पार्ट. सो यहां तक आपको क्लियर हो गया, हमारे पास आर स्टूडियो भी इंस्टॉल हो गया. मैं इस पे फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ एंड नाउ वी हैव बोथ नोट पैड एंड क्या इंस्टॉल हो गया हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. एनोलॉजी याद रखिएगा. ठीक है, अब मैं आपको दोनों साइड बाय साइड ओपन करके दिखाता हूं. यहां से अगर मैं क्लिक करूं तो ये मेरे पास आर ओपन हो गया. ठीक है, और मैं यहां से क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास आर स्टूडियो ओपन हो गया. एंड यू विल सी आर स्टूडियो इज मच एडवांस्ड लफ्ज़ कोई नहीं होता देन आर. ठीक है, अब यहां पर चेक करें, ये आर स्टूडियो की विंडो है और इस विंडो के अंदर अगर मैं आर को इस साइड पे पिन कर दूं और आर स्टूडियो को यहां पे पिन करूं, सो इट विल लुक लाइक दिस, ये वाली विंडो. ठीक है, अब यहां पे आप चेक करें जो आपका बिट वर्जन्स हैं उनकी बेस पे आपने इंस्टॉल करना है.
और अक्सर होगा आपके पास 64 बिट का वर्जन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 64 बिट डिफॉल्ट जो आएगी वो आपके सामने आ जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं यूज़ योर मशीन डिफॉल्ट 30 बिट वर्जन तो वो कर लेंगे। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ 64 बिट का वर्जन आप यूज़ करें व्हेन यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग आर स्टूडियो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली ऑटो डिटेक्ट करेगा और आर को इसके साथ स्टार्ट कर देगा। लेट्स सी, ओके करता हूँ। ये आर स्टूडियो हमारे पास चल पड़ा, ये है आर स्टूडियो, ठीक है। अपलोड क्रैश रिपोर्ट टू आर स्टूडियो ऑटोमेटिकली, नो मैं नहीं भेजना चाहता कोई भी रिपोर्ट रिपोर्ट। ये हमारे पास राइट साइड पे आर स्टूडियो, ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ये वही चीज़ है जो नोटपैड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैंने आपको दिखाई थी। काम आप सारा इस पर भी कर सकते हैं लेफ्ट साइड पे। और मेरे जैसे यूज़र जो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में कमांड प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हैं विच यूजली लुक्स लाइक दिस, तो सानू आर ही अच्छा लगता है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि यू डोंट नीड टू प्ले विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करें एंड दैट्स इट। लेकिन जो बिगिनर यूजर है उनको मैं रिकमेंड करूंगा आर स्टूडियो से स्टार्ट करें। और हम भी आर स्टूडियो पे एडवांस लेवल पे भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा काम क्या है। ज्यादातर बायोइनफॉर्मेटिक्स की पाइपलाइन हम कमांड प्रॉम्प्ट मतलब यही से आर को स्टार्ट करके इस तरीके से आर बेस है इसका नाम, खैर इसको मैं बाद में चेक करता हूँ। सो हम इस तरीके से आर को यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आई वुड प्रेफर कि हम आर स्टूडियो को यूज करें, ठीक है। सो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर था एंड होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, और इंस्टॉल आपने इसी तरीके से किया होगा। अगर आपने किसी और तरीके से इंस्टॉल किया है तो आप मुझे चैट में भी बता सकते हैं, अगर लेटर ऑन इस वीडियो को देख लें तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और बेसिक इंटरफेस को देखेंगे अपने इस लेक्चर के लिए।